अभी खाना बनाना, तो ये करना, कभी ये करना, सुबह से लेके शाम तक सिर्फ काम ही काम। अभी उनको स्कूल भी तो जाना है, बैग में दवाई भी तो घुसाना है। आपकी मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? बेटी आप आपके बैग में आपकी दवाई चाहिए भी उसकी करती हूँ। आज की रूटीन में क्या है? हिंदी एसएसटी कोई नहीं, मेरे होके भी अपने पास नहीं बुला सकती। क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। मम्मी आज का रूटीन क्या है? साइंस एसएसटी मैथ्स और हिंदी है बेटा। साइंस कैसा आया? हाँ। मैथ्स कैसा आया? हाँ। एसएसटी? हाँ। हिंदी? देख के बता दे। मुझे पता था आपसे कुछ ना कुछ गलती होगी, पता था मुझे। आपको पता भी मम्मी आपकी वजह से मुझे इतना डांट पड़ती है स्कूल में, पता भी आपको। क्यों मम्मी ऐसा करती हो आप? कुछ भी नहीं पता आपको। गलती होगी बेटा, हमेशा गलती होगी बेटा, माफ कर दो। गलती होगी बेटा, माफ कर दो। पता भी आपको आपकी वजह से मुझे कितना डांट पड़ती है। बात करें तो हमें बहुत सारा पाप भी मिल सकता है।
स्मेल आपको? अब बताओ आप लोगों को जन्नत पता है? जन्नत पता है ना? जन्नत वो है जहाँ सब कुछ मिलता है जो आपको चाहिए। तो आप में से किसको जन्नत में जाए? आओ सबको जाना जन्नत में। तो जन्नत में जाने का एक सीधा उपाय बोलो आपको। यही है कि आप अपनी माँ की सेवा करो, वो जो बोलती है उनका वो काम करो। अगर आप सिर्फ इतना करोगे तो आप सबको जन्नत मिल जाएगा। अब बहुत होगी माँ के बारे में, अभी बोलो तो आप में से कौन घर में माँ से अच्छे से बात करता है? झगड़ा करते हो? नहीं मिस, मैं सच में ऐसा नहीं करती, ये झूठ बोल रही है। सच बोल रहे हो? कभी कभी नोक झोंक हो जाता है। अच्छा मेरी बात सुनो, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको स्कूल में आना है पढ़ना है लिखना है, लेकिन वो नहीं आ पा रहे। ये दो वजह से होता है, या तो एक लड़की है तो लोग बोलते हैं वो लड़की है पढ़ के क्या करेगी, और अगर और एक वजह यह सकता है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है। पर आप लोगों के मामले में क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके पेरेंट्स आपकी फीस नहीं दे पा रहे, ट्यूशन नहीं दे पा रहे? ऐसा नहीं हो रहा ना, आपको जो चाहिए वो दे रहे स्कूल भेज रहे। और स्कूल में आपको क्या सिखाया जाता है ना, क्या सिखाया जाता है बोलो तो? यही ना कि आप घर पे जाके बड़ों से अच्छे से बात करो, छोटों से प्यार से बात करो, दूसरों का आदर करो, उनका सम्मान करो। यही तो सिखाया जाता है ना स्कूल में। तो इसके मतलब ही होता है ना, आप घर पे जाके अपने माँ बाप से अच्छे से बात करो, भाई बहनों को इज्जत दो, उनसे प्यार से रहो, है ना। लेकिन फिर भी आप लोग को अगर देखा जाए तो वो आप लोग घर जाके अपने बड़ों के साथ आदर से बात नहीं करते, उनसे गुस्सा करते हो, उन्हें अपना मतलब छोटा तरह मतलब उनका आदर नहीं करते जैसे आपको करना चाहिए, जैसे आपको स्कूल में सिखाया जाता है। आप लोग अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हो, ये गलत बात है बेटा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मेरा मतलब सिर्फ यही है, आप अपनी माँ का इज्जत करो, वो इतना सब कुछ करती है, इसके बदले में उनको थोड़ा इज्जत दो, इसके बदले में आपको जन्नत भी मिल सकती है। आप थोड़ा करो, वो इतना ज्यादा करती है, आप थोड़ा करोगे तो आपको भी और ज्यादा मिलेगा, समझ में आया? तो बताओ आज खर्चा क्या सबसे पहले क्या? आज घर जाके मैं अपनी मम्मी से माफी मांगूंगी, और कहूंगी मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। एकदम सही बोला बेटा, आज आप घर जाना अपनी माँ से अपनी की गई हर एक गलती के लिए माफी मांगना, और उनसे ये वादा करना कि आप नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी गलती नहीं दोहराओगे। अभी तो देखो टाइम हो गया, कल हम इस बारे में आके अच्छे से बात करेंगे, ठीक है? मैं कहती थी ना मम्मी से झगड़ा किया मत करो, पर तुम तो मेरी सुनती नहीं। हाँ मैंने मम्मी के साथ बहुत डरा किया, आज घर जाके मैं उनसे माफी मांगूंगी, और कहूंगी दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, बहुत बुरी गलती की है मेरे मम्मी से। आगे बेटा तुम लोग अपना बैग दे दो। मम्मी मैं रख दूंगी। पिक्की अपना बैग दे दो बेटा। नहीं मम्मी मैं कर दूंगी। माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। रोना बेटी तुमने कुछ नहीं किया, रोना बेटी। मैं तो आपकी बात नहीं सुनी, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोना बेटी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। रोना बेटी मैं दोबारा कभी भी नहीं करूंगी ऐसा। रोना मम्मी मैं भी तो आपकी बेटी हूं, मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मैं कभी भी नहीं करूंगी दोबारा। रोना बेटी मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। रोना बेटी मुझे माफ कर दीजिए।